हमारे चैनल ज्ञान चंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान चंद्र पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं बिना कोई डिलीवरी चार्जेस के। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल ज्ञानचंद्र को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल ज्ञानचंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज आएगी आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट खोल लीजिए। फ्लिपकार्ट खोलने के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कार्ट में डाल लीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर कोई प्रोडक्ट डाल लेता हूँ, जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है, मैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने कार्ट के अंदर डाल लेता हूँ ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके। अब दोस्तों अब मैं कार्ट के अंदर जाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों जो इसका अमाउंट है वो 319 रुपये है। अब मैं अपनी कार्ट के अंदर जाता हूँ। कार्ट के अंदर जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस 40 रुपए लग रहे हैं और इसके अंदर ये भी बता रहा है कि अगर आप 181 रुपए की और शॉपिंग करते हैं तो ये जो डिलीवरी चार्ज है ये हट जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, 181 की शॉपिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई और दूसरा प्रोडक्ट ऐसे ही ऐड कर लीजिए अपनी कार्ट के अंदर। जैसे कि कोई मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट प्रोडक्ट ही ऐड कर लेता हूँ, इसको कार्ट में डाल लेता हूं मैं अपनी। अब देखिए दोस्तों जो अपना डिलीवरी चार्जेज है ये पूरी तरह से हट चुका है। अब जो अपना प्रोडक्ट है ये 319 रुपए का हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप दोनों के दोनों को ऑर्डर कर देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लेता हूं मैं एक बार के लिए और इन दोनों प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता हूं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने माय ऑर्डर के सेक्शन में जाना है। माय ऑर्डर्स के सेक्शन में जाने के बाद माय ऑर्डर्स के सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने को दो ऑर्डर्स दिखा रहा है जो अपने ने अभी ऑर्डर किए थे। एक तो वो ऑर्डर है जो अपने को चाहिए और एक वो ऑर्डर है जो अपने ने ऐसे ही ऐड कर दिया था। तो दोस्तों जो अपने ने ऐसे ही ऐड किया था आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैं सेकेंड वाले पर क्लिक कर देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए और फिर आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए और कोई भी रीजन डाल दीजिए और फिर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो ये ऑर्डर है ये कैंसिल हो चुका है। अब दोबारा दोस्तों अपन अपने माय ऑर्डर्स के सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो अपना सेकंड प्रोडक्ट है ये कैंसिल हो चुका है। अब जो अपने को पहला प्रोडक्ट चाहिए अपन उस प्रोडक्ट को देखते हैं और उसका अमाउंट देखते हैं कि उसका अमाउंट कितना है। अब दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर ये 319 रुपए ही शो कर रहा है, मतलब अपने को जो ये ऑर्डर है इसके सिर्फ 319 रुपए ही पे करने हैं, 40 रुपए इसके एक्स्ट्रा पे नहीं करने है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया ट्रिक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।